जी नाज़रीन, कहते हैं कि माँ के कदमों तले जन्नत है। ये फैसला आपका मेरा नहीं, ये दो जहाँ के मालिक अल्लाह जल्ला शानहू का है। इस फैसले के बाद किसी भी माशरे के अंदर माशरे की तरबियत का जो मेन एलिमेंट है वो माँ को करार दिया जाता है। आने वाली नस्लों की तरबियत खालस तन माँ की जिम्मेदारी है। माँ इस माशरे की इकाई का अहम जुज है। ये किस डगर पे चाल निकली हैं, इनकी परसेंटेज 0.001% से भी कम है, मगर ये यूट्यूब की मेरी बेटियाँ, मेरी मुस्तकबिल की माएँ, ये यूट्यूब, ये टिकटॉक, ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम पे होने वाले इवेंट्स, शादी ब्याह को वीलॉग की सूरत में पेश करना, घर के हर किस्म के मामलात को पब्लिक करना, ये आने वाले दौर में मेरी अगली नस्ल के लिए एक फ्रीडम का माहौल पैदा कर रही है या बेहयाई का एक ऐसा तूफान जिसको हमने अभी तक सोचा नहीं। नाज़रीन, ये जो ड्रेस है फीमेल का, इसमें स्पेशली ये जो चूड़ी पजामा हुआ करता था, ये बहुत ही एंटीक ड्रेस था। ये मुग़ल बादशाहों के शहज़ादे और शहज़ादियाँ पहनती थी। आम आवाम के लिए ये ड्रेस बेहूदा था, मगर फिर भी इसको जब हम लोगों पे मुसल्लत किया जा रहा था तो चूड़ी पजामे के साथ जो ऊपर फ्राक हुआ करती थी वो नीचे बहुत ज़्यादा लंबी हुआ करती थी। लेकिन आज मेरे अपने घर में भी और हर जगह टाइट्स को ऐसे पहना जाता है जैसे कि ये यूजुअली ड्रेस है। और अब उससे अगला जो सिस्टम चल पड़ा है इस वक्त, वो है कि हर फीमेल बच्ची आपको मार्केट के अंदर इर्द गिर्द जिधर भी आप जाएंगे ट्रोज़र शर्ट पहने नज़र आती है। तो क्या इन्हें ये एहसास नहीं है? मैं एज ए मुस्लिम तो अपने चैप्टर पे गुफ्तगू ही नहीं करना चाह रहा, मैं एज ए माँ के तौर पे उन्हें इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि फ्यूचर में क्या उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि उनकी जो औलाद होगी उनके लिए वो क्या राह मिशल होगा कि वो बता सकेंगे कि बेटा ये आपकी माँ थी। मैं अपनी माँ या अपनी नानी या अपनी दादी या अपनी उन फीमेल्स को जिनको मैं अपना आइडियल समझता हूँ, वो हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करती और हर बात पे अस्तग़फ़िरुल्लाह कहती। अब उनके हवाले से मैं आपको क्या बताऊँ, मैं और मेरी एज का हर बंदा इस चीज़ को समझता है और उनकी हर बात का इख्तिताम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से होता था। तो खुदा के लिए सिस्टम में रहते हुए, माशरे में रहते हुए, इन मेरी बेटियों के लिए इम्तिहान है और ये आने वाले दौर में इस इम्तिहान से गुज़रेंगी। तो उस वक्त वो किस मुकाम पे खड़ी होंगी, वो अपने बच्चों को क्या कह रही होंगी और उनके बच्चे उस वक्त क्या सोच रहे होंगे। अब एक वक्त हुआ करता था कि हमें तो यही मालूम था कि जब इंसान की मौत आती है तो उसकी पूरी फिल्म उसके सामने चल जाती है। अब टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, ये तो चलती फिलती फिल्में हैं और जो ख़त्म ही नहीं होती, और इनका असर हमारे माशरे में बड़ी स्पीड से चल रहा है। मैं 1960 से 1975 तक का जो दौर था इंडियन फिल्मों के अंदर, इंडियन फीमेल एक्टर्स अपना दुपट्टा अपने गले से नहीं उतारती थी। फिर उसके बाद
75 से लेके अप टू 90 तक उनके ड्रेस के अंदर वर्गलैरिटी आ गई। उनके वर्गलैरिटी का अंदाज़ ये था कि उनके कपड़े शॉर्ट हो गए, फिर उसके बाद मज़ीद उनके कपड़ों के अंदर दुपट्टा ख़त्म हो गया और टाइट्स आ गई और स्कर्ट्स आ गई और बहुत ही बेहुदा ड्रेस हो गया। और वो चलते 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 आज आप पाकिस्तान के किसी भी टीवी प्रोग्राम का ड्रामे का सीन देख लें, किसी भी करेक्टर के अंदर नौजवान नस्ल जो मेरी आने वाली नस्ल के लिए एक रहनुमाई का करदार अदा करने वाली हैं, उन्होंने दुपट्टा इस्तेमाल नहीं करते। तो ये 40 साल के 50 साल के अरसे के बाद यहाँ पे आया, लेकिन जब से ये YouTube TikTok ये फास्ट मीडिया है ना, अब हर घर के अंदर ये मौजूद है, तो हर घर के अंदर उसका इम्प्लीमेंट होता है और आने वाले 10 साल में बहुत ही बेहुदा किस्म का ड्रेस होगा। यकीनी तौर पे मेरी तरह बहुत से लोग इसको रेजिस्ट करते हैं, इसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती। नाज़रीन इकराम, मेरा जो मसला है, मैंने अपने से दो बड़ी नस्लों को अपना आइडियल समझा, मेरी नानी, मेरी दादी और मेरी माँ। उनके किरदार के अंदर सादगी, खलूस, मोहब्बत, अपनाहियत, चाहत, वो सब कुछ जो मैं बयान नहीं कर सकता या बयान करने से कासर हूँ, एक ऐसा एहसास ज़िंदगी की राहत जो मैं बयान नहीं कर सकता। छोटी छोटी बात पर अल्लाह से डरना, ये नानी ये दादी किसी एक की नहीं, ये सब की होती थी। उनके अंदर हया और पाकीज़गी जो मैंने देखी, अब शायद उसका तसव्वुर भी मैं करना चाहूँ तो मुमकिन नहीं है। अब तो इंस्टाग्राम की माएँ हैं, इंस्टाग्राम की नानियाँ दादियाँ। नौ नवेली दुल्हन सालों अपने गैर महरम अजीज़ो कारब के सामने ना आती, औरत की इज्जत आज से कई गुना ज़्यादा थी। हर घर के अंदर एक फ़ीमेल ऐसी होती जिसकी घर में अजारादारी होती, मगर उस अजारादारी की वजह से किसी का घर नहीं उजड़ता था। उन माओं की जिम्मेदारी थी नई नवेली दुल्हन को घर बसाने में उसका साथ देती। तलाक के मामलात में यही माएँ थी जो अपनी नई नस्ल के लिए टट खड़ी होती और औरत के किरदार पर अपनी नई दुल्हन को समझाती और उसका घर बसाती। और मैंने अपनी 40 साल दौड़ में अपनी फैमिली में तलाक के ना होने के बराबर केसेस देखे, मगर पिछले 4 सालों में जो उसकी शराब बढ़ी है उसको बयान करने से कासर हूँ। यही वो माएँ थीं जिनकी ज़िम्मेदारी थी घर में शादी ब्याह की तकरीबात के लिए तमाम इंतज़ामात जो थे वो ये खुद करती। फिनांशी मामलात सिर्फ मर्दाना मामलात में थे, बाकी 6-6 माह घर के अंदर शादी की तकरीबात का इंतज़ाम किया जाता, कपड़े टांके जाते, बिस्तर बनाए जाते और बहुत सारे खाने पीने की अशिया का राशन ज़खीरा किया जाता। और इसी तरह इन्हीं माओं की ज़िम्मेदारी थी अपने भतीजे भांजों और अजीज़ों की इन्हीं शादियों के अंदर उनके लिए दुल्हन की तलाश करना। और यूं नाज़रीन, आज से 40 साल पहले किसी के घर के अंदर कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं जाता था जिसमें लड़की को देखने के बाद ये कह दिया जाता कि हमें बेटी पसंद नहीं आई, बल्कि ये माएँ अपना किरदार अदा करती, पहले लड़की को इन्हीं इवेंट के अंदर, शादी मंगनी के अंदर
پسند کرتی، اس کی والدہ سے باتیں کرتی اور اپنے جو معاملات ہے وہ انڈر ٹیبل وہ ڈسکشن کر لیتے، یوں ہی لڑکا بھی دکھا دیتے، اور باقاعدہ جو منگنی کی رسم تھی یا رشتہ مانگنے کی رسم تھی وہ بعد میں ہوتی، لیکن خفیہ طریقے سے یہ چیز پہلے طے کر لی جاتی کہ فلاں بیٹی کو فلاں کے لیے دکھایا ہے، انہیں اگر پسند آ گیا تو ٹھیک ورنہ کسی اور کو، اور یوں وہ میری اس وقت کی جو مائیں تھیں ان کا عزت، ان کی احترام، ان کا وقار مجروح نہ ہوتا۔ آج میری بہنوں، میری بیٹیوں کے لیے جب رشتے آتے ہیں تو ایک بیٹی 40-40 بار ریجیکٹ کر دی جاتی ہے، ان کا وہ کس جگہ پہ چلا جاتا ہے وقار، اور اس وقت وہ ریجیکٹ نہیں ہوتی تھی، وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ انہیں کسی نے پسند کر لیا، کس کے لیے کر لیا، صرف ماؤں کو پتہ ہوتا تھا۔ اب تو یہ ایک پری پلان، ایک پورا انتظام ہوتا ہے، لڑکے والدین عزیز و قارب آ رہے ہوتے ہیں، لڑکی سے پراپر پورے سوال و جواب ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا۔ اس وقت کسی کے گھر میں بیٹھ کر کسی کے رشتے کو رد کرنا غفران نعمت سمجھا جاتا، اللہ کے عذاب کی نشانی سمجھا جاتا، اللہ سے جنگ کے سمجھی جاتی۔ لیکن اب میں کیا کروں، اب میں کیا بتاؤں، یہ سارے سسٹم میں جو برائی کا عنصر ہے اس میں کردار بھی عورت کا ہے۔ عورت کی عزت تقدس میں بتا چکا ہوں کہ ماں سے بڑھ کے تو کوئی عورت کی عزت اور تقدس ہو ہی نہیں سکتا، مگر یہ معاشرے میں بگاڑ، یہ سسٹم کے اندر بگاڑ میں نے نہیں، خود عورت نے عورت کی نفی کی ہے۔ سوچئے، دیکھتے رہیے واٹ ٹی وی۔